जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है या किसी न किसी वजह से शादी में व्यवधान आ रहा है, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर विवाह की संपूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति अथवा पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा रहेगा, इसके अलावा संतान योग, राजयोग, सेहत, भविष्य, यह सभी जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवा कर अथवा दिखवा कर ज्ञात कर सकते हैं। दोनों माध्यमों से आपको जानकारी दी जाएगी, लिखित से भी और मौखिक से, तो आप अपनी सुविधा अनुसार दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं और अपने विवाह या अपने बेटे अथवा बेटे की शादी हेतु जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं अगर ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, बातचीत चल रही है, तो दोनों जातकों की कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी ज्ञात हो जाएगी कि आप दोनों जातकों के बीच कैसा संबंध रहने वाला है। शास्त्रों की माने तो नारी दोष भकुर दोष लगने पर अगर आप विवाह करते हैं तो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, तो इसके लिए आप अपने स्थानीय पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क करें। अन्यथा केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। हम आपकी कुंडली मिलान कर आपको पूर्ण जानकारी देंगे कि आपके संबंध विवाह उपरांत आपके जीवन साथी के साथ कैसे रहने वाले हैं, आपके बीच अनबन रहेगी या मधुर संबंध रहेगा। अगर किसी प्रकार का कोई दोष लगता है तो उसमें उसके उपाय भी बताए जाएंगे, हालांकि ये उपाय आपको स्थानीय पंडित व ज्योतिष से कराने होंगे। वहीं अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, नामकरण कराना चाहते हैं, वहीं सगाई मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, विदाई मुहूर्त, उपनयन तिथि, संपत्ति क्रय तिथि, वाहन क्रय तिथि आदि चीजों की जानकारी पाना चाहते हैं या तिथि समय मुहूर्त जानना चाहते हैं तो केपी की वाणी पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सभी जानकारी अवश्य देंगे। आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जनवरी 2023 में जिन दो राशियों के जातकों की सगाई के योग, शादी के योग बन रहे हैं, उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी दे देता हूं। तो कुछ प्राथमिक जानकारी ऐसा है कि अगर जीवन साथी के भाव में शनि रहता है या जीवन साथी के भाव में राहु रहता है, केतु रहता है, तो जातक की शादी में देर होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल, राहु, केतु और शनि ये चारों जो हैं अशुभ ग्रह माने जाते हैं और इनके रहने पर जो है शादी में देर होती है। मंगल विवाह में बाधक होता है किंतु कैरियर में ये हमेशा ही शुभ फल प्रदान करते हैं। सूर्य मंगल, इसके अलावा चंद्र और गुरु की जो है दृष्टि या उपस्थिति जातक के कैरियर भाव में रहे, लग्न भाव में रहे या द्वितीय भाव में रहे, तो जातक के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो यह तो मंगल कैरियर कारोबार के लिए शुभ माने जाते हैं लेकिन शादी में बाधक होते हैं। तो अगर शनि या केतु जीवन साथी के भाव में हो, उपस्थित हो या दृष्टि बना रखा हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक की शादी में देरी होती है। इसके क्या कारण है मैं उसको बता देता हूं कि अगर शनि जीवन साथी के भाव में रहे या दृष्टि बना दी तो जातक की जो शादी में बाधा घर परिवार, जान पहचान या मध्यस्थ व्यक्ति के चलते आती है, तो मांगलिक कार्य की जानकारी किसी से भी साझा ना करें। अगर आपने कुंडली अवलोकन करा लिया है और कुंडली में शनि उपस्थित है या शनि की दृष्टि जीवन साथी के भाव में है, तो जब भी आप विवाह हेतु बातचीत करें तो दोनों पार्टी के बीच में ही इस
शुभ चीजों को रखें। अगर आप तीसरे व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी देते हैं या जानकारी सार्वजनिक करते हैं तो इसमें आपको असफलता मिल सकती है। वहीं केतु के रहने पर गुप्त शत्रु के चलते शादी में बाधा आती है। ये गुप्त शत्रु आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, जान पहचान के भी हो सकते हैं, आसपास के भी हो सकते हैं, जो आपके लिए हित नहीं सोचते हैं। तो ऐसे में जो है अगर शादी में बाधा आ रही है तो इन दोनों बातों का अवश्य ख्याल रखें कि कहीं शनि के चलते तो बाधा नहीं आ रही है, कहीं केतु के चलते बाधा नहीं आ रही है। तो केतु के चलते गुप्त शत्रु यानी कि अपने जानने पहचानने वाले लोगों से इसकी जानकारी बिल्कुल ना दें, क्योंकि ढोल जब बजेगी, जब शहनाई बजेगी तो सबको पता ही ज्ञात हो जाएगा कि तो उससे पूर्व में किसी को भी यह जानकारी बिल्कुल ना दें। शनि के रहने पर और केतु के रहने पर इसके प्रभाव को कैसे कम करें? तो भगवान शिव जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। पूजा आराधना करने से जो है शनि के प्रभाव और केतु के प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, यानी शिव जी की पूजा अर्चना करने से शनि और केतु के प्रभाव से आप मुक्त हो जाएंगे और आपको इस प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। आप चाहे तो स्थानीय पंडित से रुद्राभिषेक करा सकते हैं और इस पूजा को कराने से शनि का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो यह तो मैंने आपको प्राथमिक जानकारी दी है। आइए अब मैं आपको उन दो राशियों के बारे में बताता हूं जिनके सगाई के योग जनवरी 2023 में बन रहे हैं। तो आपको बता दें कि 29 दिसंबर को जो है शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 22 जनवरी तक मकर राशि में रहेंगे। इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 फरवरी तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो 15 फरवरी तक जो है कुंभ राशि में रहेंगे शुक्र और 22 जनवरी तक जो है मकर राशि में रहेंगे। तो शुक्र जब किसी राशि के जातक जब किसी राशि में गोचर करता है तो उस राशि के लड़कों के शादी के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र जो है लड़कों के शादी के कारक माने जाते हैं। तो मकर राशि और कुंभ राशि के जातकों के लिए जनवरी साल 2023 बेहद ही शुभ रहने वाला है विवाह को लेकर, क्योंकि इस महीने में आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते तय भी हो सकते हैं, सगाई भी हो सकते हैं। कई ऐसे जातक है जो किस्मत के धनी होंगे, उनकी शादी भी हो जाएगी, वो परने सूत्र में बंध भी जाएंगे। तो आप अपनी कुंडली का अवश्य अवलोकन करा लीजिए और अगर किसी प्रकार का कोई दोष है तो उसका निवारण करा लीजिए और जनवरी तक आप इंतजार कीजिए, जनवरी महीने में आपको शुभ समाचार अवश्य मिलेंगे। तो दोनों ही राशि के जो राशि स्वामी हैं वो शनिदेव हैं, आराध्य देव शिव जी हैं। तो अगर आप शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। बात करें दिशा की तो पश्चिम दिशा में शादी होने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप कन्या हेतु विवाह प्रस्ताव लेकर जाना चाहते हैं किसी दिशा में तो पश्चिम दिशा ज्यादा ही शुभ रहेगा। इसके बाद बता दें कि दूरी कितनी हो सकती है, तो यह राशि पर निर्धारित करता है कि 12 राशियों में जीवन साथी के भाव में जो राशि उपस्थित है उसके हिसाब से अधिकतम दूरी तय की जाती है। तो यह जानकारी आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। बात करें नाम की तो पीआरए नाम के जातकों से कुंभ राशि के जातकों के विवाह के योग बनते हैं, यानी कि एस और जी नाम के जातकों के पीआरएम नाम के जातकों से पर्ण सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं जे नाम के जातक यानी मकर राशि के जातकों के भी शादी के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि मीन राशि के जातकों के साथ अगर इनका संबंध तय होता है या पढ़ने सूत्र में बनते हैं तो ज्यादा ही फायदेमंद रहता है, यानी कि दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जनवरी 2023 में जिन दो राशियों के सगाई शादी के होने के योग बन रहे हैं, जिनके रिश्ते आ सकते हैं, जिनके रिश्ते तय हो सकते हैं, उसकी जानकारी मैंने दी है। और यह जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यताओं धर्म ग्रंथों और राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं व्यवहार है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखिए। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप स्वपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे, आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा बनती रहे।
परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।